मैं हूं अभिषेक बारेट और आप हमेशा की तरह धमचिक देख रहे हैं। टिकटॉकियों के लिए एक खुशखबरी आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने जो बैन था टिकटॉक पर उसको हटा लिया है। तो पूरी बात को खबर की तरह पहले आपको समझा देते हैं। खुशखबरी देना हमारा काम नहीं है, खबर दिखाना हमारा काम है। तो हम आपको ये खबर जो है वो बता देते हैं कि पूरे मामले में हुआ क्या है। तो शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगा हुआ प्रतिबंध जो है वो हट गया है और टिकटॉकियों के लिए ये खुशखबरी है। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद, मतलब आज, इस ऐप पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है। इसके बाद में टिकटॉक जो है वो फिर से डाउनलोड और इस्तेमाल के लिए आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने इस ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने का एक आदेश दिया था। टिकटॉक पर प्रतिबंध से उसकी पेरेंट कंपनी जो है बीजिंग बाइट डांस टेक्नोलॉजी, और उस कंपनी ने कहा था कि उसे रोजाना $5,00,000 मतलब 3.5 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये ऐप सबसे पहले सितंबर 2016 में चीन में लॉन्च किया गया था। ये सारी बातें आपने पहले भी सुनी है। एक साल बाद इसे दुनिया भर में लॉन्च कर दिया गया था, तभी से इसे लोगों का ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला हुआ है। आपका मतलब 2018 में दुनिया के 150 देशों में 75 भाषाओं में मौजूद हो गया था। जुलाई 2018 में इसे 50,00,000 से अधिक मंथली यूजर्स इस्तेमाल कर रहे थे। भारत में इसे 24,00,000 से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। 2018 के शुरुआती 6 महीनों में ये पबजी मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को पछाड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था। ये दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है। ये तमाम जानकारियाँ आपको तब भी मिली थी जब ये बैन हुआ था। तो आप खुश हो लें, और खुश होने के साथ में आपको एक काम और भी करना है। खुशखबरी हमने आपको दिखाई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरें भी देखना शुरू करिए। और खबरें हैं तो दमचिक है।